कुछ पल ऐसे आते हैं जब डॉक्टर्स को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। यह संक्रमण काल है, इस समय डॉक्टर को सेवा कर अपना दायित्व निभाना चाहिए। उक्त बात जिला अस्पताल के पूर्व CMHO एवं सर्जन रहे वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने एन टाइम से चर्चा करते हुए कही। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वर्तमान में चल रही कोरोना बीमारी का खौफ है, लेकिन यह ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डरा जाए। ऐसा भी नहीं है कि इस बीमारी से मौत ही होती है, बस सावधानी रखना चाहिए। सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक महामारी चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है, उसका संक्रमण फैलता जा रहा है, इस संक्रमण के चलते, इस महामारी के चलते डॉक्टर्स की भूमिका क्या रहती है? इस कोरोना संक्रमण काल में डॉक्टर की भूमिका बहुत अहम भूमिका है, और चिकित्सकों के सेवा काल में कुछ ही पल ऐसे आते हैं, कुछ समय ही ऐसा आता है जहाँ पे डॉक्टर अपनी प्रतिभा को निखार सकता है, अपनी स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता में अच्छी तरह से सुलभ, सरल और व्यवस्थित तरीके से निभा सकता है। और ये चिकित्सकों का कर्तव्य है कि वो संक्रमण काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी सेवाएं दें, ताकि आम जनता उससे लाभान्वित हो सके। कारण क्या है कि कोरोना संक्रमण काल में आदमी में भय व्याप्त हो गया है, कुछ लोग एंजाइटी से, कुछ लोग डिप्रेशन से परेशान है। उनको समझाना भी जरूरी है कि कोरोना ऐसी कोई महामारी नहीं है, महामारी तो है परंतु ऐसी बीमारी नहीं है जिससे मौत होती है। मौत बहुत कम होती है, इसमें 1.9 से 2% तक डेथ होती है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं रहती है। इसका व्यवस्थित तरीके से इलाज किया, एक तरह से फ्लू है परंतु ये कंटेमिनेटेड बीमारी है, कंटेजियस डिसीज है, इसलिए इसमें आदमी को अपने मास्क लगा के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, जिससे कम से कम वो कोरोना से संक्रमित हो सके। चिकित्सकों को इस कोरोना संक्रमण काल में चिकित्सक की भूमिका अहम भूमिका है। ये बिरला समय ही ऐसा है कि अपने सेवा काल में और इस संक्रमण काल में ज्यादा से ज्यादा सेवाएं दे सके, और इसमें कई भयभीत होने की जरूरत नहीं चिकित्सकों को भी। मैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, फर्स्ट दिन से मैं लोगों को इलाज कर रहा हूँ, मैं 24 घंटे तक फ्री सेवा दे रहा हूँ लोगों की मोबाइल पे, वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनको इलाज कर सकता हूँ, भले रात में 3 बजे 2 बजे 24 घंटे मैं उनको सेवाएं दे रहा हूँ। और आज भी मैं हर मरीज को देख रहा हूँ, भले किसी भी बीमारी का हो, वो आएगा मैं उसको पूरा सेटिस्फाइड करता हूँ, और उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं, उससे उनमें डर की भावना खत्म हो रही है। तो चिकित्सकों की बहुत अहम भूमिका है इसमें, वो भगवान का रूप है चिकित्सक, और जनता भी चाहती है कि चिकित्सक भगवान के रूप में काम करे और हमें स्वस्थ अच्छी से अच्छी सेवा दे। किसी भी चिकित्सक को, किसी भी मरीज को बिना देखे दवाई नहीं लिखना चाहिए, उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करें, दवाई लिखे और अपने इससे बचाव करके सब व्यवस्थित तरीके से उसका ऑपरेशन भी करें, दवाई भी लिखे। मैं सब कर रहा हूँ, यहाँ ऑपरेशन भी कर रहा हूँ अभी, और मैं किसी भी ऐसी महामारी से डरता नहीं हूँ। आपको ध्यान होगा 2 मई 2015 को कॉलरा हुआ था बेड़दा में, 1500-1700 लोग बीमार हो गए थे, उस समय में भी हमने बहुत लोगों की सेवा की गाँव में जाके। तो इससे आपका, आप में ऊपर वाला शक्ति देता है चिकित्सकों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कार्य करें और सभी बीमारियों को देखें। डरने की कोई बात नहीं चिकित्सकों को। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने कहा कि डॉक्टरों को क्वारंटाइन नहीं होना चाहिए, मरीजों की सेवा करनी चाहिए। मैं घर पर आए हर मरीज को देखता हूँ। सर, पूर्व में आप CMHO रह चुके हैं और आपके समय में भी आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे, संदिग्ध केसेस जिनको आपने ठीक भी किया है, कई केसेस हमारे सामने आए जिनको आपने ठीक किया है। सर, प्रेजेंट में हमें ये देखने में आ रहा है कि कुछ डॉक्टर्स वगैरह हैं जो अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं, एक डर वाली बात कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में जाती है, एक संदेश जाता है, क्या कहें सर? ये जो इस संक्रमण काल में जो चिकित्सक मैंने देखा है, कई चिकित्सकों के बारे में सुना भी है कि वो किसी भी मरीज को नहीं देख रहे हैं और अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं क्वारंटाइन करने की, मरीजों को देखना चाहिए, ये उनका फर्ज है, ये उनका कर्तव्य है। ये अगर अपना कर्तव्य इस समय नहीं निभाएंगे तो उनका चिकित्सक होने का लाभ, चिकित्सक होना और न होना बात एक ही रहती है,
इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, ज्यादा से ज्यादा मरीजों को देखें और अपने को क्वारंटाइन नहीं करें। क्यों क्वारंटाइन करते हैं? डरते कहीं के लिए चिकित्सक, चिकित्सकों को कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक तो पहली बीमारी से लगा के आखिरी बीमारी तक सबके इलाज करने के लिए तत्पर रहता है। प्री मानसून की थोड़ी सी बारिश ने ऐसी झलक दिखाई कि नगर निगम की लापरवाही और ठेकेदारों के अधूरे कामों के जख्म सामने आ गए। इन जख्मों का दर्द नागरिक ही सहन कर रहे हैं। यह है उकाला रोड, जहां प्रसिद्ध खड़े गणपति जी का प्राचीन मंदिर है। इस रास्ते रहवासी क्षेत्र है तो अनेक लोगों की आवाजाही हर समय बनी रहती है, लेकिन बेहाल सड़क रास्तों को अवरुद्ध कर कदम रोकने को मजबूर करती है। उकाला रोड की यह तस्वीरें देखिए, जहां सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। इन गड्ढों में सड़क छिपी हो सकती है, लेकिन गड्ढों में तो पानी ही भरा नजर आता है। इस क्षेत्र की पूरी सड़क ही जर्जर है। इस समस्या पर जनता की आवाज उठी और चक्का जाम भी हुआ, लेकिन आश्वासन के बाद अब तक कुछ नहीं हो सका और गड्ढों वाली सड़क फिर मानसून में रास्ता जाम होने के संकेत ही देने लगी है। उकाला रोड के क्षेत्रीय रहवासी बताते हैं। नाम बताएं आपका? रेवानी साहब, ये जो इतना बड़ा गड्ढा हो रहा है, ये कौन सा एरिया है? ये सूरत भाई जैन नगर उकाला रोड के किलादार रोड के। ये गड्ढा हुआ कैसे यहाँ पर? ये तो बरसात थी, ये पाइप लाइन से भी दिखी थी पाइप लाइन। हाँ, ये उससे कच्चा है, वो पानी पाइप लाइन फट के ने पानी लेकर दिया, उससे हो गया ये। इसके लिए किसी को शिकायत वगैरह की आपने? नहीं की। तो ये जानलेवा गड्ढा है, हम देख रहे हैं यहाँ तो कहीं एक्सीडेंट होते हुए अभी हमारे सामने। यहाँ पे मैंने कितनी बार गिरे, कितने एक्सीडेंट हो गए यहाँ पे। यहाँ पे भी गाड़ी फट जाती है, पाइप लाइन फट गया था। सब कब से का हो रहा, साल भर हो गए, आए दिन गिरते रहते हैं सब मोटरसाइकिल, अब छोटे छोटे बच्चे लेके गाड़ी लेके गिर जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे आए दिन गिरते रहते हैं, हमारा कोई समस्या आ रही है। सारे इधर से गड्ढे देखो, गड्ढे कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। तो इसके लिए कहीं कुछ आपने लिखित में आवेदन वगैरह कुछ दिया है, शिकायत वगैरह? एप्लीकेशन लिख के दी थी, कोई सुनवाई तो करा ही नहीं अभी तक। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। कितना समय हो गया इस गड्ढे को? इस गड्ढे को साल भर हो गया, साल हो गया। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके घर के सामने, इतना बड़ा गड्ढा हो रहा है, क्या कैसी कंडीशन? गाड़ियाँ निकलती रहती, गिरती रहती, लोग गिरते हैं, कभी कोई चोट लगती है, किसको क्या हो रहा है। इसके लिए कुछ आपने कहीं कुछ शिकायत वगैरह की है? रोज तो उठाने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ से कोई ना कोई मजदूर काम करते हैं तो वो उठाने के लिए जाते हैं, गाड़ियाँ गिरती है तो। यह है हाथीखाना रोड, जहाँ विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग और शासकीय स्कूल है। इस सड़क से ही होकर कालिका माता मंदिर जाया जाता है। सीवरेज लाइन के लिए हुई खुदाई ने इस सड़क को जर्जर बना दिया। टेंडर मुताबिक ठेकेदार ने खुदाई के बाद अब तक पेचवर्क नहीं किया, लिहाजा यह सड़क मानसून शुरू होते ही गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हो जाएगी। यह है बुद्धेश्वर से ईश्वर नगर फाटक वाली सड़क, जो सीवरेज खुदाई के बाद जर्जर होकर हादसों का कारण बन गई है। खुदाई के बाद ठेकेदार ने शहर के किसी भी हिस्से में सड़क मरम्मत और पेचवर्क नहीं किया, जिसकी निगम ने शर्त रखी थी, लेकिन ऐसे मामलों में निगम भी बेपरवाह और लापरवाह बना रहता है। सीवरेज खुदाई के बाद पेचवर्क नहीं होने से खुदाई के हिस्से ने नाली और गड्ढे का रूप ले लिया है, जो मानसून में परेशानी और विवाद का रूप लेकर व्यवस्था पर सवाल उठाएगा। क्षेत्रीय रहवासी का कहना है कि करीब जब से ये ड्रेनेज लाइन डली है, उसमें सीवर लाइन डला है, जब से परेशानी आ रही है। मतलब इतना कीचड़ हो जाता है कि निकलना भी बहुत परेशानी है, आए दिन लोग गिरते भी रहते हैं और बहुत नुकसान भी होता है लोगों का। मतलब कितना टाइम हो गया होगा इसको? करीब इसे कुछ भी 6 महीना होगा। 6 महीने से ऐसा कैसा? हाँ, ऐसा कैसा ही है। कई बार हमने इधर तो शिकायत भी करी, लेकिन उससे कोई मतलब ही निकला कुछ। और अभी की स्थिति कैसी है? अभी देखो, अभी तो गाड़ी निकल नहीं सकती, अगर 2 सवारी हो तो आदमी ही गिर जाएगा और बहुत धीरे निकलना पड़ता एकदम। शहर में बारिश की शुरुआत के साथ ही जर्जर बिल्डिंगों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को शहर के मुख्य बाजार भुट्टा बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक छज्जा भरभराकर गिर गया। घटना सुबह करीब 11 बजे की है। भुट्टा बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदार दुकान खोलकर बैठे ही थे कि तभी अचानक एक जनरल स्टोर के ऊपर वाले हिस्से में स्थित छज्जा भरभराकर गिर गया। गनीमत यह रही कि इस घटना के समय दुकानदार किसी काम से बाहर आया हुआ था और कोई ग्राहक भी नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। छज्जा गिरने से दुकान के बाहर लगे टीन शेड भी गिर गए। क्षेत्र के दुकानदारों की माने तो भुट्टा बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बने करीब 25 वर्ष हो गए हैं। नगर निगम ने इसका निर्माण किया था, लेकिन रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जर्जर हो गया है। किसी दिन भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्या नाम भैया? सुनील बैरागी। क्या हुआ यहाँ पर?
मुट्ठा बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो नगर निगम कॉम्प्लेक्स है, छज्जा गिर गया है और व्यापारी बाल बाल बचे हैं, कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती थी। कितने बजे करीब की घटना? बस ये अभी एक घंटे पहले की है। दुकान चालू थी? दुकान चालू थी। दुकान में कोई ग्राहक वगैरह? ग्राहक वगैरह नहीं थे। कोई जानहानी हुई? जानहानी नहीं हुई क्योंकि दुकानदार अंदर थे। कितने साल पुरानी दुकानें हैं? तो बस जब कॉम्प्लेक्स बना जब से है दुकानें और गए। उसके बाद में कोई इसमें रिपेयरिंग का काम हुआ? कुछ भी रिपेयरिंग नगर निगम ने कोई कुछ नहीं कराया है। पूरे मार्केट की हालत यही है, छज्जे कभी भी इस बारिश में भुजा जाने को गिर सकते हैं। आपने देखी है। क्या नाम आपका? सुनील बैराग। कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को अपने देश में लाने के लिए चलाए गए वंदे भारत मिशन में रतलाम की बेटी ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। रतलाम में पली बड़ी और पढ़ी, यह है सिमरन कौर। यही रतलाम की वह बेटी है जिसने लंदन और कनाडा में कोरोना महामारी के कारण फंसे भारतीय नागरिकों को लाने वाले एयर इंडिया के विमान में क्रू मेंबर के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। सिमरन की बचपन से इच्छा थी कि वे एविएशन के क्षेत्र में काम करें। उसे एयर इंडिया में मौका मिला और इस कोरोना महामारी के दौर में एयर इंडिया को वंदे भारत मिशन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने दी तो सिमरन भी उस जिम्मेदारी का क्रू मेंबर के रूप में हिस्सा बनी। कोरोना महामारी से सारे बचाव की हिदायतों के साथ सिमरन लंदन से अमृतसर और कनाडा से दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट में गई। इन दोनों फ्लाइट में करीब 538 नागरिकों को लेकर भारत आई। फ्लाइट से भारत आने वाले नागरिकों ने भी फ्लाइट के क्रू मेंबरों को धन्यवाद दिया था। सिमरन जनवरी से रतलाम से गई थी लेकिन फोन पर माता पिता और परिवार के संपर्क में रही। जब वंदे भारत मिशन के लिए जाने वाली फ्लाइट के लिए क्रू मेंबर के रूप में सिमरन का चयन हुआ तो सिमरन ने अपने माता पिता से बात की। माता पिता ने बेटी का हौसला बढ़ाते हुए पूरी सुरक्षा के साथ काम करने की सलाह दी थी। वंदे भारत मिशन में क्रू मेंबरों के योगदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था। पीएम के ट्वीट से अन्य क्रू मेंबर भी मिशन में काम करने के लिए आगे आए। आपको बताइए कि आपने एक भारत सरकार के मिशन में काम किया क्रू मेंबर के रूप में, ये अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुश थी। मतलब लाइक कि एक सर्विंग नेशन सर्व करने का मौका मिल रहा है मुझे, तो मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत एक्साइटेड थी कि ये फ्लाइट्स कैसी होने वाली है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद लाइक हमें पता था कि हमें पैसेंजर्स के साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हर एक चीज़ प्रॉपर होने वाली थी, तो फ्लाइट पे जाने में कोई इतना खास डर नहीं है। लाइक एक प्राउड फील होता है। फिर मोदी जी का ट्वीट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी ने ट्वीट किया था, और फिर जिससे कि बहुत सारे क्रू को मोटिवेशन मिला है काम आगे करने के लिए, सर्व करने के लिए, फ्लाइट्स पे जाने के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड बस यही मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आपको सर्व करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोरोना महामारी में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कर्मचारी काम पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपने इस मिशन को अपनाया, क्या सोच के अपने आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? आपके मित्र लोगों को बताया होगा कि मैं उस मिशन में जा रहा हूं, तो क्या रिएक्शन था उनका? फ्रेंड्स तो खुश होते हैं, पेरेंट्स मेरे थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि हाँ करना या ना करना इस तरीके से, बट थोड़ी देर सोचने के बाद फिर पेरेंट्स वर लाइक कि ठीक है जाओ, बट बहुत सेफ्टी से जाना, अपना हमेशा ध्यान रखना। हमेशा वो लोग कॉल पे रहते हैं मेरे साथ, वीडियो कॉल्स पे, तो उनको बताना पड़ता है कि ठीक है मैंने पीपीई किट पहना है, तो वो उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाता है इस तरीके से कि मैं बहुत सेफ हूँ। कितनी फ्लाइट में आप गई हैं और कहां-कहां की फ्लाइट थी, कितने यात्री थे और उन यात्रियों का व्यवहार कैसा रहा आप लोगों के? मैंने अभी तक टोटल 2 फ्लाइट्स करी है। 2 फ्लाइट्स में पहली फ्लाइट थी अमृतसर लंदन, दूसरी फ्लाइट थी दिल्ली वैंकूवर। दोनों ही फ्लाइट्स में पैसेंजर्स बहुत थैंकफुल हैं, लाइक उनको कोई सर्विस नहीं दे पा रहे हैं हम, लाइक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है ऑब्वियसली, तो कोई सर्विस नहीं है, बट स्टिल पैसेंजर्स बहुत थैंकफुल हैं कि वो ऐसी मुसीबत के टाइम पे अगर वो आना चाहते हैं तो उन्हें प्रॉपर एक फैसिलिटी मिल रही है कि हम किस तरीके से आना चाहते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं। आई मीन आप लोग तो जब पैसेंजर ने थैंक्स बोला होगा, आप लोग वापस जब आए हमें सफल सफल ये काम करके, उसके बाद पहली फीलिंग क्या रही आप लोगों के, किसको सबसे पहले आपने सक्सेस की सफलता की सूचना दी? सर सबसे पहले मैं अपने, हमेशा ऐसे ही होता है, नॉर्मल फ्लाइट हो चाहे वंदे भारत मिशन हो, मैं अपने घर में ही सबसे पहले बताती हूँ, लाइक हर एक पैसेंजर का एक्सपीरियंस शेयर करना कि पैसेंजर्स बहुत खुश हैं, और
लाइक अपने फिर फ्रेंड्स को बताना और बस ज़्यादा नहीं शेयर किया किसी से। सुबह सुबह आप सोकर उठें और घर में ही नाग नागिन का जोड़ा बैठा हुआ दिख जाए तो आपकी हालत क्या होगी? आप डर जाएंगे और घर से परिवार सहित बाहर निकल जाएंगे। ऐसे डरे और सहमे परिवार का डर दूर किया है सर्पमित गणेश मालवी ने। यह पूरा घटनाक्रम पिपलोदा का है। यहाँ के निवासी विष्णु जाजोरिया के घर में सुबह सुबह 6 बजे एक सांप दिखा। इस सांप को देखकर विष्णु जाजोरिया ने परिवार के सदस्यों को घर के बाहर किया और पिपलोदा के निवासी सर्पमित्र शिक्षक गणेश मालवी को सूचना देकर बुलाया। सर्पमित्र गणेश मालवी पहुंचे, पहले उक्त सांप को पकड़ा लेकिन उसी स्थल पर दूसरा सांप भी दिखा। सर्पमित्र गणेश मालवी ने उस दूसरे सांप को भी पकड़ा। सर्पमित्र गणेश मालवी के मुताबिक सांपों का यह जोड़ा नागनागिन है, जो बारिश के मौसम में इस प्रकार की घटना आम है। सर्पमित्र गणेश मालवी बताते हैं कि दोस्तों ये हमारे क्षेत्र के ट्रिंकेट स्नेक है, ट्रिंकेट और बड़े ही सीधे साधे जानवर हैं। आप देख रहे होंगे नर और मादा दोनों मेरे स्वास्थ्य में हैं। आज सुबह हमारे यहाँ पिपलोदा नगर के एक परिवार से निकले, सुबह 6 बजे मुझे आवाज़ आ गई और उन्होंने ये बताया बोले एक सांप है, उसके थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद एक नागिन ये पूरा जोड़ा है आपके सामने, हमने रेस्क्यू किया है। बहुत ही खूबसूरत जीव है, आप देख सकते हैं। ये इन दोनों को हम जंगल में छोड़ेंगे और देख सकते हैं ये पूरा एक जोड़ा मेरे पास में है। ये देख सकते हैं नागिन है ये छोटी वाली फीमेल और ये मेल है। ये देख सकते हैं ये सांप है पूरा, ये जोड़ा है। तो इस तरीके से ये जो एक खूबसूरत नज़ारा है आप देखिए इसको, और ये नज़ारा आपको शायद ही कभी देखने को मिलेगा ऐसा।